बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मड़े भैन भ्राओ बुजुर्गों संगियो दोस्तों मड़े बचियो बसेरो, तुसी सारे ठीक ठाक हो। सबसियो पहले तुस सारे को आज जुमा मुबारक, जुमे का मुबारक दिन है। नमाज तो असं पांच वक्ती पढ़नी चाहिए है, वरे असी जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक सारे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह पाक सारे को खुश रखे ने। तो अज दे व्लॉग का आगाज़ करते हैं। चूंकि जुमा अक्सर कमां वाले लोगों की छुट्टी होंदी है तो अस्ती भी तकरीबन अज यही समझो कमां दरों छुट्टी है तो रूटीन के मुताबिक फिर अज असी ब्लॉग बना सा। तो उसी अलावा अज तुसां को अपने माले की भी निकी निकी सैर करा सा, हूँ इसको असी माला आख सा कि जी ग्रां ते अस्ता ये है ये। उसी अलावा ग्रां बिच भी काफ़ी सारे माले होने, उर्दू में मोहल्ला आखते हैं, असं माला आखते हैं इनको बिच। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं तो पलाना जरा लगे था की जी अजकल निका निका सी है यानी सर्दी है ठंड है, तो सुबह सुबह की धुप बड़ा मज़ा कर दिए ने। तो ये बड़ा पुराना जहा बूटा है, घर भी लगे देने एक किस चीज़ा बूटे, इसका ना तो मुख भी नहीं आता, एक कचा जी आकार है अपने काले भाजी का। तो मैं इस वेले धुप लाना लगे दा इतना खलते दा। सर्दियों का फल लुकाट है ने, लुकाट का सीजन है तो इतना बूटा से वागा बेल लगे दे निका जी लुकाठा का। तो लुकाट इस वेले कची कची लगी दी है, ये देखते हो तुसी। तो बे अपनी खेतों में मौजूद है, इतना गंदम की फसल असं लाई सी। तो उस वेले कुछ अजाइया तो थोड़ी थोड़ी उगी है तो कुछ अजाइया तो फिलहाल नहीं उगी, इतना भी फिलहाल नहीं उगी। उसकी वजह यह है कि बारिश फिलहाल नहीं आई ना, तो बारिशों का फिलहाल कुछ आता पता नहीं, बारिशों से तो उसके दो त्रीए दाले बाद इतना फिर जोड़ा गंदम है उगना शुरू हो जुलसी। तो कुकुड़ा सा कट सटे ने देखो ये लगे तो फिर दे बंगी अस्ता। जुमे की नमाज पढ़ के दी है तो लोग आ मुड़दे कोई रुटी पानी खा सिन्ने। तो ग्रां बिच होंगे कि जुमे नमाज तो बाद कोई रुटी खाँदा तो कोई पहले खा के आंदे, ये को बटे शटे इतों कटे देने। सा बड़ा सारा बटा हों, दंदी होंगी असी जानी कि ऊंचाई होंगी असी टीला हों, उसको ये कटे देने ये बटे शटे। देखो क्रेना की मदद तो फिर ये पटे गए, लोग हूँ पर अंदर मुड़ के आने ने दे सकते हो तुम। तो नमाज शमाज पढ़िए ने तो सको थोड़ा जि ग्रां का व्यू करालते हैं, तो नालो नाल तो सको दसते हैं। ये तो टाके का राह है, मैं ये थोड़ा जी विजिट आई तो इधरा भी राह का कराल कहना। बाकी सर्दियों का मौसम है तो बूटिया नालों पत्ते शते जड़ते हैं। तो इस वेले मौसम की सूरत हाल की गल करा तो थोड़ा बराबर ही है, न ज़्यादा सिया के जुमरे बिच है तो न गर्मी दे आईया। थोड़े देर बाद जिस टाइम सूरज थोड़ा गुरूब होना को सी तो सी हो जुलसी यानी सर्दी हो जुलसी। तो कुछ इस चाहिए तो फसल उगे देने, गंदम जी लगी दी है उगी दी ने। तो लोग आने देखो मुड़ते न अपने घर को नमाज पढ़ के। असं भी अपने बुजैर मसेरे बुजुर्गों दुआ की है, अपने भैन भ्रावों दुआ की है। ये अपने शानी भाई दुदाले जो दिन ने लगे दे, ये देखो इनकी बांडिए नाल इनका घर है कचा। तो मुख ग्रां में सबसे खूबसूरत जगह भी यही लगती है, इतना नज़ारा सामने देखो पिछा पहाड़ा का खेतों का कच्चे घर। ग्रां बिच अस्ती रवायती गड्डी यानी सुजुकी खलती दी ने, ये अस्ती देसी खुराक है ने, साग तो मकई की रुटी, तो साग तो मकई की रुटी कुट के खासा। तो संगियो इस वेले जड़ा है तो उर्दू बिच तुसी आ सकते हो शाम हो गई है, तो असी इनको बिच आखते होने नमाशों हो गई हैं। तो बिल्कुल तुसी दे सकते हो नमाशों हो गई हैं। और मैं तुसा को इस वेले छता तो इस चो गया है कि दसा कि आखिर रोशनी वाले पहाड़ कह जे होने, अच्छी तुसा को रोशनी वाले पहाड़ दसते हैं। यह देखो पहाड़ रोशनी बे कुछ इस तरह लगते ने, घर बने दिन पहाड़ा का। तो रोशनी बे तुसी शामी दे टाइम यानी नमाशा दे टाइम तुसी दे सकते हो पहाड़ा का नज़ारा। क्योंकि अज जुमा सा तो फिर अस्ता ब्लॉग रूटीन के मुताबिक आज है अपनी। तो इस साइड हूँ मैं तुसें दसा तो ऐसा सूरज गुरूब हो तो मगरब की अजान और नमाज भी हो गई है। तो कपड़े असं समझ आला तो के टांगे दे फिर इतना नाल गवंढियाँ अस्त छाते गवंढियाँ छाते नालू भी अस्ते अपने मसेरे ही हैं, रिश्तेदार ही जगते फुपी मड़ी का घर है। तो ये अस्ते ग्रां के पहाड़ इन्ने
ते इन्हां दा भी नज़ारा तुसीं देखो, ये इस साइडों बिल्कुल खाली हैं, बूटे ही बूटे हैं, जंगल है, ते इस साइड आबादी है पहाड़ों का, ते ये तुसीं देख सकते हो सामने। और उसी अलावा इत्थे ही पिछा जिहड़ा मैं तुसां को अपना खेत दसता सा सुबह टाइम का, ये वो जगह ने। ते बाकी की जी ग्रां भी हुण थोड़े थोड़े शहर बनते जुलते हैं। ये जड़े बाईपास के पहाड़ इन्ने इन्ने इस टाइम तो तुम देखो। और हम मैं तुम दसदा बादल आ गए ने जी, ये देख सकते हो सर्दी का जो मौसम है वो स्टार्ट है ने, बारिशा हो सकते कि एक दो दिन तक इतना फिर लागा के, ते चंद भी निकले देने आसमाना बिच, बादलों का चंद है देखो, तुम जूम करके दसते हैं। ते बाकी इस तरह हम गाले ने, ते ये बाज रखे देने, ये वैगन ने जी मैं तुम दसी कि जी कलंदराबाद एप्टोबाद के रूट आस्ते इस्तेमाल होंगी है। ये शामी का टाइम है नमाशा का, तो ये ग्रां की गली आन तुम देखो, सुबह भी मैं दसी पर अज तो सो शामी भी दसना लगे दा। ते फिर अज के ब्लॉग का असं इतना इतमाम करते हैं, उम्मीद करते हैं तक अज का ब्लॉग पसंद आया। असं इसके महल्ले पे दर्जियां की दुकान है जी मैं तुम दसी है, तो बाकी अगर चौक है करियाने की दुकान है, तो फिर वो भी तुम दसते हैं। फिर उस तो बाद असी ब्लॉग का इतमाम करसा देख सकते हो, चौक में बाइक शाइक आ रही है, ये दुकान है इस ग्रां की। तो उसके अलावा एक दुकान है आला पार सामने है। तो अज फिर असं अपने ब्लॉग का इतमाम करते हैं इतनी कल, इंशाला तुम को अच्छे जी ब्लॉग नाम मिलते हैं, असी जाई कोई देखसा इंशाला शेयर करा दसा तुसा को, तो दुआ करते रहो अपने मसेरे वास्ते भी, असं भी तुम दुआ करसा। तो बाकी मिलते हैं अगले एक और अच्छे जी ब्लॉग में, तब तक मुझे इजाजत, अपना मुझसे ख्याल रखियो, अल्लाह नेगेबान।